मुझे फेंक दो यहाँ से, यहाँ उठा के कुछ कर दो, कुछ थ्रो कर दो आज भी, आज बढ़िया मैच ठीक है। इज एवरीथिंग बिटवीन यू एंड ज़ैम्पा ऑलराइट और वाज इट पर्सनल? थ्रो लग गया हुडा का यार, अपने टीम वाले ही मार रहे हैं। हां ये क्या बर्थडे बम्स तो नहीं दे रहे थे वो? पता नहीं यार, उसको नहीं दिया तो उसने मुझे दे दिया, उसका बर्थडे आज एक्चुअली। जी जी दिन दिन टुडे ही डिड दिस थिंग। ओह नो ही डिडंट, ही वाज मोर रिलैक्स्ड टुडे, मोर रिलैक्स्ड टुडे। ही स्माइल्ड अ कपल ऑफ टाइम्स ही डिड एज़ वेल। या दैट्स गोना ब्रेक द इंटरनेट। एंड वी आल्सो हैव द पर्पल कैप बैक विद अस। Purple cap. Now we need to chase that orange cap. But that's not your tension. That's not my tension, but it's still. दर्द दो तरीके के होते हैं, एक अच्छा दर्द और एक दर्द वाला दर्द। तो ये एक अच्छा हेडेक है। कौन सा फेवरेट हीरो आपका? पहले जो था वो SRK था, शाहरुख खान था। लेकिन फिर पता चला KKR से मैच है अपना एक। अब ये है रणवीर सिंह। काय रे एलिस जी ब्रिगेड, आज के राइड अलोंग प्रोग्राम में थोड़ा चेंज करना मांगता है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। मैं वापस आ जाता हूँ अपने हिंदी एक्सेंट पे। बेसिकली आज बस में किन्हीं कारणों से हम शूट कर नहीं पाए, लेकिन हमने कहा भाई मैच जीते और हमारा रिवाज है कि मैच जीतने के बाद मैं प्लेयर्स के पास जाता हूँ, करता हूँ उनसे बातें। बात तो सही है। तो वो कैसे टूट जाएगा? तो हमने उनको यहाँ इसी होटल में जहाँ टीम रुकी हुई है पकड़ा है, और आपके मन में जितने सारे सवाल थे वो मैंने उनसे पूछे। क्या हुआ, आओ दिखाता हूँ। चलो भाई। तो अब हमारे साथ हैं आवेश भाई, इन्होंने आदत बना ली आखिरी ओवर में मैच फिनिश करने की। पहले बैट से फिनिश किया बिना टच किए, ऑफ कोर्स जलवा है हमारा। आज बॉलिंग से फिनिश किया आपने, लेकिन कुछ फेंका नहीं आज आपने, फैंस बड़े निराश हैं। फेंका नहीं हमने, लेकिन ड्रेसिंग रूम में जाके फेंक देते, कुछ कर देते नहीं, लेकिन एक्शन किया था निकोलस पोरन के साथ। अच्छा, किया था? हाथ मिला के और ये किया, मतलब ऐसा इमेजिन किया कभी कभी कुछ हो जाएगी टेबल वेबल, एक बार थोड़ा हल्का कुछ एक्शन अपना बैग कुछ हो जाए, मुझे फेंक दो यहाँ से, यहाँ उठा के कुछ कर दो, कुछ थ्रो कर दो। आज भी आज बढ़िया मैच ठीक है, आज अच्छा अच्छा मैच जीते, आगे के मैचेस में करेंगे ना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Just one question to you. Such amazing bowling, such amazing hits. Is everything between you and Zampa all right, or was it personal? No, we're okay. It wasn't personal at all. We had a nice catch up after the game. You had? Mm-hmm. If I would want you to leak some pictures of that. Leak some pictures. Yeah, we'll share them later. Breakfast with champions ke baad pesh hai. Dinner with champions. कोई दिक्कत नहीं। हाँ बट आप बताओ, आपने परफेक्ट बर्थडे गिफ्ट दिया है पूरी एलएसजी ब्रिगेड को, क्या आज ब्रीफ क्या था आपने अपने बॉलर्स को? कुछ अलग टेस्ट मैच बता रखा था क्या? चार ओवर में 19 रन दे रहे लड़के। नहीं यार, अभी स्किल है लोगों का और बॉलर्स, आई थिंक दिस गेम बिलोंग्स टू बॉलर्स मोस्टली, उन्होंने जिताए ये मैच। ऐसे नहीं बोल रहा कि बैट्समैन ने गंदा काम किया, बट आई थिंक वो सिचुएशन में स्पेशली इनके अगेंस्ट, जैसे इनके बैट्समैन है बटलर, यशस्वी, संजू, हेटमायर, ये सब अच्छे फॉर्म में भी है और एंड देयर अ रियली गुड टीम, तो उनके अगेंस्ट उनके घर पे हराना एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है, एंड आई थिंक बोलर्स डिजर्व द क्रेडिट। मुझे पता नहीं आपको स्टैट पता है या नहीं, बट LSG 11 में से 9 बार टारगेट सक्सेसफुली डिफेंड कर चुकी है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अच्छा, आपने वो लॉय डिफाई कर दिया, मोस्टली सब बोलते हैं ना चेस करो T20 में। एक्चुअली मैं लास्ट ईयर भी ऐसे ही था एक्चुअली। हां उसी को मिला के लास्ट ईयर बोलूंगा तो फैंस मतलब बुरा मान जाएंगे या गाली देंगे मेरे को, बट लास्ट ईयर नॉकआउट्स में भी जब हम RCB से खेले थे एलिमिनेटर मैच, उसमें भी मेरे को बहुत स्ट्रांग फीलिंग था कि हमें बैटिंग ही करना चाहिए क्योंकि हमारा रिकॉर्ड अच्छा था, बट वहाँ पे फर्स्ट टाइम खेल रहे थे कैलकटा में, पिच का पता नहीं था तब वो वो छोड़ो यार लास्ट सीजन की बात है, में मैंने मतलब तब मेरे को अभी भी वो दुख होता है, दर्द होता है कि वो टाइम पे आई शुड हैव ट्रस्टेड माय गट, और जो टीम का अच्छा चल रहा था वो चीज करना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट स्टैट्स और नंबर्स और हिस्ट्री ये सब देखने से अच्छा जो अच्छा चल रहा है उसी के स्टिक ऑन करना चाहिए था उसी चीज के साथ। ट्रिक क्या रहती है, मतलब कैसे इतना सक्सेसफुली हम टारगेट्स डिफेंड कर पा रहे हैं? भाई ट्रिक कुछ नहीं होता, आई थिंक अच्छा क्रिकेट खेलना होता है ऑन दैट गिवन डे, जो भी टीम प्रेशर को अच्छे से हैंडल करता है और जो टीम स्किल को अच्छे से एग्जीक्यूट करता है वो जीतते हैं। आज बोलर्स ने अच्छा किया तो सबको लगेगा वाह वाह क्या चेंजेस किया है कैप्टन ने, अगर वही चेंजेस है मार पड़ता तो वापस बोलते कि कैप्टन क्या चेंज कर रहा है, तो वही डिफरेंस होता है आई थिंक। टीममेट्स द प्लेयर्स अगर स्किल अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे तो सब अच्छा दिखेगा, विक्ट्री ऑब्वियसली फील्स गुड बट एवरी डिसीजन एवरी टैक्टिक लुक्स गुड। बहुत अच्छी अच्छी बातें कही आपने, बट मुझे पता है कमेंट दो चीज़ों पे आने वाले हैं, एक क्या खा रहे हो आप, हाँ।
और दूसरा ये क्या है, ये बता दो बस हमारी ऑडियंस को इससे पहले वो टेंशन ले, कुछ सीरियस तो नहीं है ना ये, क्या है? नहीं पता, कल सुबह उठ के ही पता चलेगा। बट ये क्या, दिस इज नहीं, वो थ्रो लग गया हुडा का यार, अपने टीम वाले ही मार रहे। हाँ, ये क्या बर्थडे बम्प्स तो नहीं दे रहे थे वो? पता नहीं यार, उसको नहीं दिया तो उसने मुझे दे दिया, उसका बर्थडे आज एक्चुअली। बट ठीक है, कल सुबह तक ठीक हो जाएगा, होपफुली। ठीक है भाई, एवरीबॉडी प्रे फॉर इट इन द कमेंट्स। पार्टी तो दे दी आपने हमारी ऑडियंस को, मैच जिता दिया है और आज। क्या भैया, ये इससे बड़ी पार्टी और क्या, मैच जीत रहे, 2 पॉइंट मिल रहे हैं, टेबल के टॉप टीम को हरा रहे हैं। हाँ। इससे बेस्ट बर्थडे तो नहीं हो सकता। क्यों, तो अंदर का बताओ, बर्थडे सेलिब्रेशन, बर्थडे बॉम्ब्स वॉम्ब्स का कल्चर है नहीं है टीम में? है तो, कल्चर तो है जो भी है, केक वेक कटिंग वगैरह का, बट ये तो शरीफा वाला हो गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं था, उससे ज्यादा होता है, बट हाँ आजकल सभी थोड़े ठंडे पड़े हुए हैं, कब जीत के 100% करेंगे। डन, ये ऑन रिकॉर्ड आपने बोल दिया 100%। वेयर वी हैव पुट योर पिक्चर एंड जीजीज पिक्चर, एंड देयर इज अ फेमस डायलॉग इन बॉलीवुड, फ्लावर एंड फायर, सो यू आर द फ्लावर, ही इज द फायर। यस, डेफिनेटली। बट टुडे वी सॉ ही डिडंट साइलेंट द क्राउड, Gigi didn't smile. No, today he didn't do this thing. Oh no, he didn't. He was more relaxed today. More relaxed today? He smiled a couple of times. He did? As well, yeah. That's gonna break the internet. But what exactly did you tell when you went in the middle during that 14th over mark? I think we had the second strategic timeout. Yeah, we didn't tell much actually. You know, it's really important to listen to what the players are thinking and feeling out there, because they're the guys in the middle. They can see what the opposition is trying to do. Sometimes we can come in with ideas from off the field, and it might be something they haven't noticed. But mainly, we're listening to them and maybe asking them some questions about upcoming tactics or bowling changes. That's all. And was Naveen briefed differently? Everyone was playing T20, but I believe he was playing a test match. Just 19 of his over. He was sensational, wasn't he? That's his debut IPL game, and he just did absolutely brilliantly. So I thought he held his nerve so well. And the other thing that stood out for me was that he was very clear about what he wanted. As soon as KL came and asked him what he wanted in the field, he knew straight away. There weren't long, prolonged discussions where they were unsure about his tactics, and he was outstanding. And maybe I think we'll be the first team asking for 5 foreign players. It's going to be very difficult. Already QD's not playing. Yeah. And now with Naveen bowling so well, Mark already with 11 wickets and the purple cap, lot of headache for you. Should we visit the embassy tomorrow and get one of them to sign for the Indian citizenship? that will help you. Would help me, that's for sure. Yes, for you, for all of us. Yeah, we'll see. It's great having two top quality bowlers like that, and bowling so differently. Yeah. But getting results. Thank you. Just one simple question to you: did you tell our bowlers that today we are going to play a test match? 19 runs in 4 overs by Naveen Ullah. It's not fair. Yeah, but I thought he bowled brilliantly. No, he set the tone for us up front with a new ball. But you know, to be honest, he has worked so hard leading up to this game, and I knew whenever he was going to get that opportunity that he was going to take it with both hands, and I'm just so happy for him. And do you have some ointment for my neck? It's hurting. That's all good. Just happy with the win. Yes, and we also have the purple cap back with us. Purple cap. Now we need to chase that orange cap. But that's not your tension. That's not my tension, but it's a team game. But just let our bowlers, if you're like bowling first, then ask our bowlers to leak enough runs so that our batsmen get chance to score enough runs to chase the orange. No, let's not do that's that. Not gonna happen? Just play the game, you know, very well with bat and ball. All right, thank you very much. अरे आपके तो हमारे पास आते ही नहीं हो? आप तक आने से पहले ही होटल आ जाता है हर बार. बैकफुट पे हो गया एकदम. सबको बैकफुट पे करता है, खुद बैकफुट पे. तो मेरे पास एक ट्रिक है कि ऑलरेडी क्वीनी बाहर बैठे हुए हैं और आज नवीन ने इतनी अच्छी बॉलिंग की, मार्क के ऑलरेडी 11 विकेट्स हैं, हेडेक हो रहा होगा आपका सिलेक्शन का, कल एक दो बंदों को जाके इंडियन सिटीजनशिप दिलवा देते हैं. पता है क्या, ये जो हेडेक है ना इस वाला, ये दर्द दो तरीके के होते हैं, एक अच्छा दर्द और एक दर्द वाला दर्द. तो ये एक अच्छा हेडेक है. और टच वुड, जब आप एक टीम बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपके जो प्लेसेस हैं ना उसके लिए लड़ाई होती हुई नजर आए, और एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए. एक तो कॉम्पिटिशन होता है, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन जहाँ पर आप एक एक लड़ाई, एक एक स्पॉट के लिए
फाइट करते हुए नजर आए, तो ये अच्छा वाला हेडेक है, इस दर्द से हमें कोई परेशानी नहीं है। क्या बात है। अब मैं आ चुका हूँ हमारे आज के मैच विनर के बेडरूम में सिर्फ इंटरव्यू लेने। ठीक है समरिया। लेकिन नवीन भाई क्या चीटिंग किया आज आपने, मतलब आपके माइंड में क्या टेस्ट मैच चल रहा था, 4 ओवर में 19 रन, आंसू निकाल दिए राजस्थान रॉयल्स के फैंस के, आपने बेचारे चौके छक्के देखने आए थे। विकेट टफ था काफ़ी बैटिंग के लिए, जैसे हमने पहले इनिंग्स देखी तो बड़े शॉट लगाना काफ़ी मुश्किल था, और उन लोगों ने पहले 10 ओवर में अच्छा भी खेला, पर प्लानिंग यही थी बीच में अंदर में कि नेक्स्ट 10 ओवर जब बॉल पुराना होगा तो और भी टफ होगा, तो उसी को हमने कैपिटलाइज किया और मैच को जाने नहीं दिया। कितनी अच्छी इकोनॉमी आपकी रही है, अब लोग कह रहे हैं कि दुनिया में जहाँ जहाँ इकोनॉमिकल संकट चल रहा है, मतलब डिफिकल्टीज आ रही हैं, जॉब्स जा रही हैं, सब हो रहा है, ही इज द गाय हु कैन फिक्स इट ऑल। इतनी बढ़िया इकोनॉमी, मतलब शर्म आ गई। नहीं इम्पोर्टेंट था क्योंकि लो स्कोरिंग गेम था और विकेट भी काफ़ी सपोर्ट कर रहा था, जो बॉलर्स वेरिएशंस के साथ बॉलिंग कर रहे थे, तो खुशी हुई क्योंकि जब पहला मैच आपका होता है और आप जीतते हो तो वो खुशी डबल हो जाती है। पेट में था कुछ गुड़गुड़ थी, पहला मैच खेल रहे हो, लो स्कोरिंग है यार, या पिच देख के आप खुश थे कि ये तो मेरी टाइप की पिच मिल गई है मुझे? नहीं, पिच को मैं बिल्कुल इक्वेशन से हटा देता हूँ, हर टाइम जब बॉलिंग करने जाता हूँ या मैच खेलता हूँ तो जो मेरे स्किल्स है उस पर ट्रस्ट करता हूँ और प्रोसेस सेम रहता है, चाहे जो भी पिच हो चाहे जो भी कंडीशन हो, बट हाँ प्रेशर होता है, हर मैच का प्रेशर होता है। जिस दिन आप बोलोगे कि यार मैं मैच खेलने जा रहा हूँ और उसमें प्रेशर नहीं है, तो आपको वो एक्साइटमेंट नहीं मिलेगी, वो मज़ा नहीं मिलेगा। ठीक है, व्हाट एल्स कैन आवर फैंस एक्सपेक्ट, अब तो बार बार देखना चाहेंगे आपको। इंशाल्लाह बस हमें सपोर्ट करते रहना और हम कोशिश करेंगे कि और भी मैचेस जीत जाए और प्लेऑफ्स में एंटर होके ये साल की ट्रॉफी लखनऊ के नाम करें। वाह क्या बात कह दिया आपने, लोग दीवाने हो जाने वाले हैं आपके हिंदी के, इतनी बढ़िया। ये बॉलीवुड मूवीज? हाँ देखते हैं बॉलीवुड मूवीज देखते। कौन सा फेवरेट हीरो आपका? पहले जो था वो SRK था, शाहरुख खान था, लेकिन फिर पता चला KKR से मैच है अपना एक। अब ये है रणवीर सिंह। रणवीर सिंह, चलो उनकी तो कोई IPL टीम भी नहीं है, सेफ है। तो ये था आज का राइड अलोंग, जो टेक्निकली राइड अलोंग नहीं था, आप स्टे अलोंग, होटल अलोंग, पार्टी अलोंग, व्हाटएवर इसको आप बुला सकते हैं, वो था। लेकिन मेन बात ये है कि आपको जो सवालों के जवाब चाहिए थे, आई होप वो मिल गए हों, मिल गए हैं। तो लाइक करो ढेर सारा, कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट बताओ, हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाओ, और मैं चाह रहा हूँ अब मेरा दाल बाटी चूरमा रेडी है।